चंद्र की, बोले भारत माता की, बोले गंगा माता की। क्यों भैया हाथ नहीं उठ रहा है क्या? हाथ उठाना है दोनों, बोलो सियावर रामचंद्र की। आपने लाठीचार्ज क्यों किया? तब भीड़ नहीं लगाइए। अगर पूजा में भीड़ नहीं लगेगा तो कहाँ भीड़ लगेगा? महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया था। महिलाओं पर कई श्रद्धालु लोग घायल भी हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। ये तस्वीर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के अंबेर चौराहे की है। हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अंबेर चौराहा स्थित हनुमान मंदिर के समीप का नजारा है, जहां आज हनुमान भक्त सड़कों पर उतरकर नालंदा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये नारेबाजी आज इसलिए हुई क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन आज हनुमान जी की यहाँ आरती हो रही थी और उसी आरती के दौरान विहार थाना के गश्ती की गाड़ी बगल से जा रही थी और बगल से जाने के दौरान गश्ती पर बैठे पदाधिकारी हनुमान भक्तों पर लाठी चार्ज किया, जिसके बाद हनुमान भक्त उग्र हो गए। यहाँ आरती में शामिल श्रद्धालु उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया है, अंबेर चौराहे को जाम कर दिया है। ये मंदिर के समीप का नज़ारा है, आप खुद देख सकते हैं इस नज़ारे को। हम यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, जिन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो है ना दुर्व्यवहार किया गया है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या किया गया है। यहाँ शामिल आरती में शामिल श्रद्धालुओं से उनसे बातचीत करेंगे, है ना। अभी काफ़ी भीड़ है, बातचीत होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम उधर भी जाते हैं, उधर भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, है ना। क्या हुआ वो सब कुछ यहाँ शामिल जो श्रद्धालु थे उनसे बातचीत में पता चलेगा क्या हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग हमेशा की तरह मंगलवार को यहाँ पूजा कर रहे थे, सब श्रद्धालु खड़ा थे। उधर पूजा हो रहा, कुछ ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाता है, इसलिए हम लोग पांच आदमी मिलकर ट्रैफिक भी छुड़ा रहे थे। उधर से प्रशासन की गाड़ी आई, रोकी, चार पुलिस उतरे, उसमें बिहार थाना के SI थे, पूरी तरह से लाठी चार्ज कर दिए। कुछ औरत थी, कुछ बच्चे थे, उसको खस के मार पड़ा है। प्रत्येक मंगलवार की तरह हनुमान जी की आरती हो रही थी। हाँ हाँ, बस मंगलवार की तरह आरती। ये देखिए जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, चोट का निशान है, जो पुलिस के द्वारा डंडा चलाया गया है ना, वो निशान दिखा रहे हैं। ये श्रद्धालु है ना, ये जख्मी श्रद्धालु है। क्या नाम हुआ आपका? लालटूस कुमार। कहाँ आप आए थे? हम आए थे आरती में, हनुमान जी की आरती में शामिल होने आए थे। तो क्या घटना घटी? हम आरती अथी कर रहे थे तो उन्हें से आया और पुलिस। कौन आया? पुलिस दरोगा। पुलिस SI मतलब, तो आया तो उर मारना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले लास्ट हमरे मारे। कहां पे चोट लगा है आपको? हाथ में मार के। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा गोलू कुमार नाम हुआ। गोलू कुमार नाम हुआ। आज आप मंगलवार आरती में हम लोग हमेशा हर एक मंगलवार को आरती करने के लिए आते हैं। आज क्या घटना घटी? जो सनातन धर्म को नहीं मानता है वही लोग को अटैक करेंगे ना। तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उधर से आए SI, कौन थे, थाना प्रभारी या कुछ भी थे, SI आए उधर से डायरेक्ट लाठीचार्ज करने लगे। अच्छा, लाठीचार्ज करने महिलाओं को भी चोट, महिलाओं को भी चोट लगे। नहीं विश्वास है मेरे ऊपर तो आप जाइए, वहाँ महिला है, वहाँ जाकर पूछ लीजिए। हाथ में भी चोट लगा उसका। महिला को मारा गया। महिलाओं पर? हाँ, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। महिला पुलिस नहीं थी, बिना महिला पुलिस नहीं थी। हाँ, महिला एक भी पुलिस गाड़ी कैमरा लगा हुआ है, आया होगा वीडियो सर। मोड़ पे, हर एक मोड़ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में आप CCTV फुटेज देख सकते हैं। ये हनुमान भक्त श्रद्धालु हैं जो आज मंगलवार को आरती में शामिल होने के लिए अंबेर चौक पे आए थे और फिलहाल हम अंबेर चौक पे मौजूद हैं। इधर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना हुआ। क्या घटना हुआ बोलिए ना घटना क्या हुआ। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो हनुमान भक्त यहाँ पे पुजारी हैं। पुजारी जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या घटना यहाँ घटी थी, है ना।
क्या घटना घटा था माता जी? हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ ट्रांसफार्मर भी दुकान लगाते हैं अंडा के, वहाँ से देखे कि ये लेमू यहाँ पर बगल में बैठता है बजरंग बली के बगल में, उसको देखे कि पब्लिक को साइड किया, गाड़ी को बुला रहा था पुलिस गाड़ी को जाने का रास्ता दिया, वो नहीं मतलब एक और हवलदार था वो आगे बढ़े और उसमें गाड़ी से निकल के एक अफसर पिछुआरे डंडा ऐसे करके हार्दिक खत्म होने के बाद सब सपा के मारा ना। आपको भी मारा? नहीं, हम तो वहाँ पर थे, आप देखे? हम देखे। मारपीट हुआ? हाँ, पुलिस वाले मारे? हाँ, हार्दिक में शामिल होने आए थे उन लोगों को? हाँ, उन लोगों को मारे और मारा होना ही पड़ेगा इसी कारण पब्लिक धाम गया। सभी श्रद्धालु मिलकर क्यों मारेगी? अगले मंगलवार को याद रखें, पब्लिक लोग पूजा के लिए आए हैं, पूरे आरती सुनने के लिए, आप लाठी चार्ज क्यों किए? हम लोग को भक्त को मारना शुरू करिएगा तो आप लोग मियां सब को काहे नहीं मारते, हम ही को काहे मारते हिंदू को? हमें ही देख, महिला लोगों के साथ भी मारपीट किया गया? हाँ, महिला लोगों के साथ मारपीट किया गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं पुलिस प्रशासन के? कल करें तो आज करें, आज करें तो हम लोग तो मारा गया तो अभी ही आज होगा। कोई भी आदमी चिंता नहीं करना है, बोलो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, है ना? बजरंग दल वाले कुंदन जी हैं, बजरंग दल वाले कुंदन जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ। का पाठ अभी इसी वक्त और तुरंत होने वाला है। मैं आप सभी तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ कि कम से कम अपने भगवान के सम्मान में जूते चप्पल खोल के खड़े हो जाएं, ताकि दिखाए कि अपने हिंदुओं की ताकत किसे कहते हैं। क्या घटना घटा कुंदन जी, क्या घटना घटी यहाँ पे आज? आज जिस प्रकार से हिंदुओं के द्वारा यहाँ मिलन केंद्र बजरंग दल के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ आज पुलिस वाले ने आकर लाठी चार्ज किया है, और मैं डीएम और एसपी से आग्रह करता हूँ कि जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा तब तक बजरंग दल के नालंदा के कार्यकर्ता यही रहेंगे, और अगर ज्यादा करेंगे तो कल बिहार श्री भी बंद कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन जो दोषी पदाधिकारी हैं पुलिस वाले उनको सस्पेंड कर देंगे तब बस मामला शांत हो जाएगा। अगर सस्पेंड कर देंगे तो हम लोग मामला शांत कर देंगे, और नहीं तो हम लोग पूरे शहर को जाम करेंगे। ये कल की ही बात है, कल परसों नहीं होने वाला, ये कल ही होने वाला है। तो ये बजरंग दल के कुंदन जी हैं, और भी पुजारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये अंबेर चौराहे पर स्थित बजरंग बली मंदिर के पुजारी हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ। गुड्डू सिंह, क्या आज घटना घटी, क्यों इतना भीड़ लग गया सड़क पे? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर के द्वारा भव्य महाआरती कराई जाती है, और बड़ी ही दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी मन की मुराद पाते हैं। आज आरती जैसी खत्म हुआ, प्रशासन के गाड़ी आई, श्रद्धालु पर लाठी चार्ज स्टार्ट। हमने पूछा ये क्यों, आखिर आपने लाठी चार्ज क्यों किया? तब भीड़ नहीं लगाइए, अगर पूजा में भीड़ नहीं लगेगा तो कहाँ भीड़ लगेगा? महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया गया था। महिलाओं पर कहीं श्रद्धालु लोग घायल भी हैं। हम ये भी आपको बता देते हैं, अगले मंगलवार को पूरे रोड जाम होके आरती होगा, चारों रोड जाम होके आरती होगा। ये गुड्डू कुमार हनुमान मंदिर का वादा है, अगले मंगलवार को पूरे रोड जाम होके आरती होगा। पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे महिलाओं पे, क्या महिला कांस्टेबल साथ थे? नहीं, हम लोग उतरे, प्रशासन भाग गए। हमने पूछा आपने लाठी क्यों चलाए, बस धुन दबा के भाग गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीसीटीवी कैमरा में फोटो सब आया होगा, आखिर क्या हो नालंदा पुलिस किया है आज के डेट में? कब तक ये शांति होगा? जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक कोई शांति नहीं होगा। गुड्डू जी हैं, इस मंदिर के पुजारी हैं, और इधर आप नजारा देख सकते हैं। ये नजारा बिहार शरीफ के अंबेर चौराहे स्थित
हनुमान मंदिर का है, जहां आरती के दौरान आज पुलिस के गश्ती पदाधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उस दुर्व्यवहार से आहत होकर यहां हनुमान भक्तों ने सड़क को जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और ये नजारा नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ का है। फिलहाल पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पहुँच कर आक्रोशित श्रद्धालुओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।